इस अकीदत से कहीं बढ़ के अकीदत होती, इस अकीदत से कहीं बढ़ के अकीदत होती, तू अगर दोस्त ना होती तो मोहब्बत होती, तू अगर दोस्त ना होती तो मोहब्बत होती। बहुत शुक्रिया रोहित भाई, रोहित प्रजापति जी गुना में पोस्टेड हैं, लव यू टू रोहित भाई। इस अकीदत से कहीं बढ़ के अकीदत होती, तो अगर दोस्त ना होती तो मोहब्बत होती। ओ भला कैस का जो दश्त को आबाद रखा, ओ भला कैस का जो दश्त को आबाद रखा, फिर कहाँ खाक उड़ाते कहाँ वहशत होती, फिर कहाँ खाक उड़ाते कहाँ वहशत होती। हर्फ तू, हर्फ यानी अक्षर, हर्फ तू हर्फ मैं आ वसल करें लफ्ज़ बने, हर्फ तू हर्फ मैं आ वसल करें लफ्ज़ बने, कहीं साकिन कोई होता कहीं हरकत होती। मुकम्मल सुनाना ये गज़ल जी नज़ीर भाई, मुकम्मल गज़ल सुना रहे हैं, ये आपकी नज़र है कि अक्षय दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गगन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अश्क बह जाएं तो दिल आप संभल जाता है, अश्क बह जाएं तो दिल आप संभल जाता है, काश हर शख्स को रोने की सहूलत होती, काश हर शख्स को रोने की सहूलत होती। उसने पहचाना तो अब झेप के मुंह फेरते, उसने पहचाना तो अब झेप के मुंह फेरते हैं, उसने पहचाना न होता तो गनीमत होती, उसने पहचाना न होता तो गनीमत होती, उसने पहचाना न होता तो गनीमत होती, उसने पहचाना न होता तो गनीमत होती। हम हवा से नहीं बरसा, सचिन झा साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई। तूने पहचाना न होता तो गनीमत होती, उसने अफवाह उड़ाई मैं उसे भूल चुका, उसने अफवाह उड़ाई मैं उसे भूल चुका, ऐ खुदा काश ये अफवाह हकीकत होती। सचिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, नज़ीर भाई, गगन मुदगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नज़ीर नज़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया ग्वालियर से। एक मतलब एक शेर और देखेंगे, मेरी तकदीर तेरी जुल्फ या दुनिया न बने। बहुत शुक्रिया रोहित भाई, मेरी तकदीर तेरी जुल्फ या दुनिया न बने, वो बनाने पे उतर आए बता क्या न बने। मेरी तकदीर तेरी जुल्फ या दुनिया न बने, वो बनाने पे उतर आए बता क्या न बने। मेरे बेटे को सुनाना मेरे किस्से यारों, मेरे बेटे को सुनाना मेरे किस्से यारों, मेरे बेटे को बताना कि वो मुझसा न बने। मेरे बेटे को सुनाना मेरे किस्से यारों, मेरे बेटे को बताना कि वो मुझसा न बने। मैंने देखी है मेरे अब्बू के कंधे की लचक, मैंने देखी है मेरे अब्बू के कंधे की लचक, सीधा रास्ता भी बनाऊं तो सीधा न बने।
मेरी तकदीर तेरी जुल्फ या दुनिया न बने, वो बनाने पे उतर आए बता क्या न बने। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर नज़र साहब। एक गज़ल और देखेंगे। गया है गज़ल का मतलब देखें कि गया है छोड़ के ये कौन प्यास पानी में, गया है छोड़ के ये कौन प्यास पानी में, ये किसने मारा है पत्थर उदास पानी में। बहुत शुक्रिया गगन साहब, अक्षय दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये किसने मारा है पत्थर उदास पानी में, यहीं पे बैठ के वो घंटों बातें करते थे, यहीं पे बैठ के वो घंटों बातें करते थे, जहां दो लाशें मिली आसपास पानी में, जहां दो लाशें मिली आसपास पानी में। अक्षय दुबे जी, नज़ीर नज़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ दो लाशें मिली आसपास पानी में। सचिन भाई बहुत, सचिन आर झा साहब बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप सभी लोग। इस बात की खुशी है कि मुझे जो सुन रहे हैं वो मुझसे भी अच्छा लिखने वाले हैं। नज़ीर भाई हैं, अपने गगन भाई हैं, सचिन हैं, रोहित भाई हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि जो मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे भी अच्छे शायर हैं। एक गज़ल और देखें कि नज़र नज़र मोहब्बत भाई, गज़ल का मतलब है कि मर्तबा पानी का, मर्तबा मीन्स वैल्यू, मर्तबा पानी का बस प्यास नहीं होता है, मर्तबा पानी का एक प्यास नहीं होता है, मर्तबा पानी का बस प्यास नहीं होता है, किसी मछली को ये एहसास नहीं होता है, किसी मछली को ये एहसास नहीं होता है। और शेर यूं कहा है कि एक शबरी है कि कुछ बेर लिए बैठी है, एक शबरी है कि कुछ बेर लिए बैठी है, और अब राम को वनवास नहीं होता है। एक शबरी है कि कुछ बेर लिए बैठी है और अब राम को वनवास नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आर झा साहब, नज़ीर नज़र भाई, रोहित प्रजापति भाई, अक्षय दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब राम को वनवास नहीं होता है, और अब राम को वनवास नहीं होता है। और शेर यूं कहा है कि जीतने वालों में एक बात बुरी होती है, जीतने वालों में एक बात बुरी होती है, हारने का इन्हें अभ्यास नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई, आपके टक्कर में कोई नहीं भैया। रोहित प्रजापति भाई, मैं टक्कर लेना भी नहीं चाहता किसी से, और मेरे को टकराने का कोई शौक भी नहीं है। रोहित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है कि आप इस लायक समझते हैं मुझे, और शायद आप ने इस लायक समझा तो मुझे इस पेज पे आने का मौका मिला। रोहित प्रजापति भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अक्षय दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, नज़ीर नज़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जीतने वालों में एक बात बुरी होती है, हारने का इन्हें अभ्यास नहीं होता है। और शेर रोहित प्रजापति भाई आपकी नज़र के बहुत शुक्रिया, गगन मुदगल साहब, रोहित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, नज़ीर नज़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया। शेर यूं कहा है कि विवेक शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक शर्मा जी। रोहित प्रजापति भाई ये शेर आपकी नज़र के, तुमको ख्वाबों में भी देखूं तो मचल उठता हूं, तुमको ख्वाबों में भी देखूं तो मचल उठता हूं, तुम मेरे साथ हो विश्वास नहीं होता है। सचिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, नज़ीर नज़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अभ्यास क्या लगाया, बहुत शुक्रिया नज़ीर भाई। तुमको ख्वाबों में भी देखूं तो मचल उठता हूं, तुम मेरे पास हो विश्वास नहीं होता है। एक शबरी है कि कुछ बेर लिए बैठी है और अब राम को वनवास नहीं होता है।
अगरचे इश्क का हुलिया बनाओ, अगरचे यदि तुम अगरचे इश्क का हुलिया बनाओ, यदि तुम इश्क का हुलिया बनाओ, अगरचे इश्क का हुलिया बनाओ तो फिर वो शख्स तुम अंधा बनाओ, तो फिर वो शख्स तुम अंधा बनाओ। किसी को गाली देकर आ रहे हैं, किसी को गाली देकर आ रहे हैं, हमारा पान और मीठा बनाओ, हमारा पान और मीठा बनाओ। शेर यूँ का है कि बहुत शुक्रिया रोहित भाई, हमारा पान और मीठा बनाओ। नज़ीर नज़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा पान और मीठा बनाओ, दिखाते हैं तुम्हें हम पार करके। नज़ीर भाई दिखाते हैं तुम्हें हम पार करके, बनाओ आग का दरिया बनाओ, दिखाते हैं तुम्हें हम पार करके, बनाओ आग का दरिया बनाओ। अक्षय दुबे का बहुत बहुत शुक्रिया, बनाते हैं तुम्हें हम, दिखाते हैं तुम्हें हम पार करके, बनाओ आग का दरिया बनाओ। जहाँ ये लोग प्यासे मर रहे हैं, विवेक शर्मा जी शेर सुने आप, जहाँ ये लोग प्यासे मर रहे हैं वहीं तस्वीर में दरिया बनाओ, जहाँ ये लोग प्यासे मर रहे हैं वहीं तस्वीर में दरिया बनाओ, बिगाड़ेंगे वगरना खेल सारा। रोहित प्रजापति जी देखिए मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ जो पुलिस वालों की फितरत होती है, तो वो शेर सुने आप, आप मेरे पर न धमक पड़ना, उसके लिए पहले ही माजरत माफ़ी। पान को मीठा बनाओ, विवेक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, नज़ीर नज़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित प्रजापति का शेर सुने कि बिगाड़ेंगे वगरना खेल सारा, बिगाड़ेंगे वगरना खेल सारा, हमें भी खेल का हिस्सा बनाओ। जी नज़ीर भाई बिगाड़ेंगे ये वरना खेल सारा, इन्हें भी खेल का हिस्सा बनाओ। रोहित जी के लिए शेर था, अगर और पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया हिंदी माई की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी माई को। और पढ़ना है क्या मुझे, मुझे बताते रहिएगा। बनाओ वाह कत्तरिया बनाओ, गगन मुदगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, दिखाते हैं तुम्हें हम पार करके, बनाओ आग का दरिया बनाओ। तमाम जिस्म रवानी पे बोझ हो जाता, तमाम जिस्म रवानी पे बोझ हो जाता, न तैरता तो मैं पानी पे बोझ हो जाता। रोहित जी समझ गए शेर, बड़ी बड़ी मेहरबानी रोहित साहब, आप शेर तक पहुंच गए, क्या कहने। नज़ीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, गगन मुदगल साहब, रोहित प्रजापति भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तमाम जिस्म रवानी पे बोझ हो जाता, न तैरता तो मैं पानी पे बोझ हो जाता, यूं खर्च करता ना खुद को जो दोनों हाथों से, यूं खर्च करता ना खुद को जो दोनों हाथों से, जवान लड़का जवानी पे बोझ हो जाता, जवान लड़का जवानी पे बोझ हो जाता। हमारी बात अलग है हमारी छोड़ो तुम, हमारी बात अलग है हमारी छोड़ो तुम, तुम्हारा मरना कहानी पे बोझ हो जाता। और जिन्होंने रेत के टुकड़ों से प्यास सींची हो, जिन्होंने रेत के टुकड़ों से प्यास सींची हो, वो प्यास से मरते ये पानी पे बोझ हो जाता। जी विवेक शर्मा जी मैं पढ़ रहा हूँ, नज़ीर भाई रोहित प्रजापति बहुत लोगों का, गगन मुदगल बहुत हो गया, चार लोगों ने कह दिया अब ठीक है। जय श्री राम की गज़ल नज़ीर साहब ने याद दिला दी, अब नज़ीर भाई सुनो मतला के। तमाम मजहबी जहमत तमाम, जय श्री राम। बख्श स्वागत है भैया, पहली बार सुनने का मौका मिल रहा है तो तबीयत से सुनेंगे, आपका नाम सुना है बस सुना नहीं था,
आज वो भी हो गए। अमन जादौन भाई जुड़ गए हैं, बहुत मोहब्बत अमन। अमन जादौन यार बहुत अच्छा शायर है और बहुत ही अच्छा शायर है, क्या कहूँगा इसके आगे, तो अजीब है ना रोहित प्रजापति जी भाई। अमन गज़ल का मतलब देखो कि तमाम मजहबी जहमत तमाम, जय श्री राम। तमाम मजहबी जहमत तमाम, जय श्री राम। मैं देखने लगा कण कण में राम, जय श्री राम। मैं देखने लगा कण कण में राम, जय श्री राम। और शेर यूँ कहा है कि मैं अच्छे लोगों में अच्छा, बुरों में डेढ़ बुरा। मैं अच्छे लोगों में अच्छा, बुरों में डेढ़ बुरा। कहो मैं कौन हूँ, रावण या राम, जय श्री राम। और चरागों अब तो उजालों पे बात आ गई है, चरागों अब तो उजालों पे बात आ गई है। हवा का खूब हुआ एहतराम, जय श्री राम। हवा का खूब हुआ एहतराम, जय श्री राम। हमारी बस्ती में हर सुबह गूंजे नारा इश्क, वहीं जबां चढ़ा तकिया कलाम, जय श्री राम। ऊंची एड़ी ऊंची की, ओके। इससे पहले रोहित भाई ने अजीब हैना का कहा था, मैं अजीब हैना पढ़ देता हूँ। जय श्री राम के बाद मंगल भवन अमंगल आ रहे। मंगल भवन को मैं थोड़ी देर बाद पढ़ता हूँ गगन भाई, पहले दो फरमाइशें और हैं वो पढ़ देता हूँ। रोहित भाई का हुक्म है पुलिस वाले, इसलिए उनकी बात पहले माननी पड़ेगी, डर लगता भाई। क्या था रोहित भाई ने कहा था, अजीब है ना। एक आसमा जैसी सीता, उनको जमी बनाना अजीब है ना। नज़ीर भाई मुकर्रर मुकर्रर वाले मैसेज बहुत देर से आ रहे हैं, इसमें कमेंट मुझे बहुत देर से मिल रहे हैं, इसलिए मैं कर नहीं पाऊँगा मुकर्रर। अब ये मतला सुनो आप, मतला यूँ कहा था, एक आसमां जैसी सीता, उनको ज़मी बनाना अजीब है ना। अमन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अमन जिन्होंने, अब जो अमन को नहीं जानते हैं वो एक बार अमन के दोस्त बने, और अमन को और एक हमारा एक और छोटा भाई है, आज उसका बर्थडे है महेंद्र का, उसको भी पढ़ाएं, वो भी बड़ा अच्छे शेर कह रहा है। नज़र नज़र भाई बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं। आप सभी को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि यार हमसे भी अच्छे लिख रहे हैं ये नए नए बच्चे, पता नहीं कहाँ से क्या कह लेते हैं, कहाँ से निकाल लाते हैं बातें, बड़ी खुशी होती है। सुनीति मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत आपका, निवेदन भी है। अरे निवेदन नहीं है रोहित भाई, छोटा भाई हमेशा है ना कंधे पे होता है, ठीक है, तो वो छोटा हमेशा बड़ा हो जाता है। तो मतलब था, एक आसमां जैसी सीता, उनको जमी बनाना अजीब है ना। एक आसमां जैसी सीता, उनको जमी बनाना अजीब है ना। गंवार लोगों के शक को भगवान यकीन बनाना अजीब है ना। गंवार लोगों के शक को भगवान यकीन बनाना अजीब है ना। वो अपनी तस्वीर चाहती है पर आप उसका अकीदा देखें, अकीदा यानी श्रद्धा, आपकी लैंग्वेज में आप भरोसा भी कह सकते हैं एक तरह का। वो अपनी तस्वीर चाहती है पर आप उसका अकीदा देखें। एक अंधे लड़के से कह रही है तुम ही बनाना अजीब है ना। एक अंधे लड़के से कह रही है तुम ही बनाना अजीब है ना। और हमारे जैसे निकम्मे लड़के मोहल्ले भर में हज़ार होंगे। अमन अमन जादौन शेर सुनो भाई। हमारे जैसे निकम्मे लड़के मोहल्ले भर में हज़ार होंगे, तुम्हारे जैसी हसीन लड़की यहीं बनाना अजीब है ना। हमारे जैसे निकम्मे लड़के मोहल्ले भर में हज़ार होंगे, तुम्हारे जैसी हसीन लड़की यहीं बनाना अजीब है ना, अजीब है ना।
न उसका मुझसे कोई ताल्लुक, न गैर कोई है ज़िंदगी में, न उसका मुझसे कोई ताल्लुक, न गैर कोई है ज़िंदगी में, अकेले रहकर कोई ताल्लुक नहीं बनाना, अजीब है ना, अकेले रहकर कोई ताल्लुक नहीं बनाना, अजीब है ना। मियाँ ख्याली बता रहे थे, बहुत शुक्रिया रोहित भाई। चलिए अगली गज़ल पढ़ता हूँ, इसमें तो गज़ल का मतलब देखेंगे। बहुत शुक्रिया अमन भाई, ये मैंने शेर आप ही के लिए पढ़ा था अमन जादौन साहब, अगर आपको याद हो तो, निकम्मे लड़के, क्योंकि मुझे अपने सारे छोटे भाइयों पर पूरा भरोसा है कि वो क्या कर रहे होंगे। तो गज़ल का मतलब देखेंगे, कांच वाली वो हवस थी, नज़ीर नज़र भाई की फरमाइश थी, वो हवस थी कि संभाला न गया सांच बदन। देखिए नज़ीर नज़र भाई की फरमाइश इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि ये जैसे ही लाइव कटेगा ना, इनका फ़ोन आ जाएगा, बोले यार आपने वो नहीं सुनाई, तो इनके साथ तो वो वाला लफड़ा है कि घर में जाओ तो घरवाली की बात ना मानो, तो वो वाला हाल हो जाता है नज़ीर नज़र साहब के साथ। बहुत शुक्रिया रोहित भाई, नज़ीर नज़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर भाई की फरमाइश पे गज़ल का मतला देखेंगे, वो हवस थी कि संभाला न गया सांच बदन, वो हवस थी कि संभाला न गया सांच बदन, उसने सौंपा था भरोसे पे मुझे कांच बदन। बहुत अमन भाई समझ गए बात को मेरी, बहुत शुक्रिया रोहित भाई, हिंदी माई की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं। गगन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, नज़ीर भाई बहुत मोहब्बत। वो हवस थी कि संभाला न गया सांच बदन, उसने सौंपा था भरोसे पे मुझे कांच बदन, और इश्क की लाश उठी चार दवारी के तले, इश्क की लाश उठी चार दवारी के तले, यानी मैयत में मुझे लेके हुए पांच बदन। बहुत शुक्रिया गगन भाई, यानी मैयत में मुझे लेके हुए पांच बदन, बहुत शुक्रिया नज़ीर नज़र साहब। गज़ल का एक मतलब और देखेंगे, मैं उसका पूरी तरह हो चुका करीब करीब, मैं उसका पूरी तरह हो चुका करीब करीब, अब उसकी हाँ का है सब मसाला करीब करीब, मैं उसका पूरी तरह हो चुका करीब करीब, बस उसकी हाँ का है सब मसाला करीब करीब, और किसी ने रो के कहा था कि तुम भी तड़पोगे, किसी ने रो के कहा था कि तुम भी तड़पोगे, असर दिखा चुकी वो बद्दुआ करीब करीब, असर दिखा चुकी वो बद्दुआ करीब करीब, हमारे जिस्म निभाएंगे दुनियादारी को, हमारी रूहें रहेंगी सदा करीब करीब। रोहित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, नज़ीर नज़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और पढ़ना है क्या, और पढ़ना है तो एक दो गज़लें और पढ़ दूँ। बिछड़त को उनके नीर नयन यूं चुभे मुझे, बिछड़त को उनके नीर नयन यूं चुभे मुझे, कुछ दिन तलक तो ख्वाब में नैना दिखे मुझे, बिछड़त को उनके नीर नयन यूं चुभे मुझे, कुछ दिन तलक तो ख्वाब में नैना दिखे मुझे, और जिस वक्त बात मैंने उठाई थी इश्क की, जिस वक्त बात मैंने उठाई थी प्रीत की, उस वक्त उसको देखते और देखते मुझे, उस वक्त उसको देखते और देखते मुझे,
मुझसों को इश्क मिलता है सरकारी ढंग से, मुझसों को इश्क मिलता है सरकारी ढंग से, लाइन में लग के कहना पड़े मुझे मुझे, लाइन में लग के कहना पड़े है मुझे मुझे। रोहित भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत पर, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी मैं एक ताज़ा गज़ल पढ़ता हूँ जो मैंने कहीं शायद नहीं सुनाई है, उसके दो शेर पढ़ देता हूँ। सावन इसीलिए हुए हैं कामयाब हम, सावन इसीलिए हुए हैं कामयाब हम, हमसे खराब तुम हुए तुमसे खराब हम, सावन इसीलिए हुए हैं कामयाब हम। अक्षय दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, नज़ीर नज़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज रोहित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, गगन मुदगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सावन इसीलिए हुए हैं कामयाब हम, हमसे खराब तुम हुए तुमसे खराब हम, तुमसे खराब हम। जितने शरीफ लोग हैं सबको है हमसे काम, जितने शरीफ लोग हैं सबको है हमसे काम, जितने गलत सवाल हैं सबका जवाब हम, जितने गलत सवाल थे हैं सबके जवाब हम। विवेक शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, जितने गलत सवाल हैं सबके जवाब हम। इस वक्त आपके लिए दुनिया अजीज है, इस वक्त आपके लिए दुनिया अजीज है, उस वक्त आपके लिए हम थे जनाब हम, इस वक्त आपके लिए दुनिया अजीज है, उस वक्त आपके लिए हम थे जनाब हम। सावन इसीलिए हुए हैं कामयाब हम, हमसे खराब तुम हुए तुमसे खराब हम। एक और मतलब और एक शेर, और आप सभी की ज़हमत है तमाम। आप जिस उम्र में डरते थे कि पर तन्हाई है, आप जिस उम्र में डरते थे कि तन्हाई है, हमने उस उम्र में जीने की सज़ा पाई है। और इसी मौसम में तेरे साथ टहलना था मुझे, इसी मौसम में तेरे साथ टहलना था मुझे, इसी सावन में तेरे साथ टहलना था मुझे, इसी सावन में तेरे साथ टहलना था मुझे, इसी सावन में तेरे पाँव में मोच आई है, इसी सावन में तेरे साथ टहलना था मुझे। विवेक शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित प्रजापति साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गगन मुदगल साहब, नज़ीर नज़र भाई, अमन जदौन, हिंदी में सुनीति मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी देर से जुड़े हुए हैं। इसी मौसम में तेरे साथ टहलना था मुझे, इसी मौसम में तेरे पाँव में मोच आई है। और शेर सुने कि नाम ऐसा है कि जुमलों सा ज़बां पर आए, नाम ऐसा है, विवेक शर्मा जी शेर सुने कि नाम ऐसा है कि जुमलों सा ज़बां पर आए, याद ऐसी है कि हर लम्हे ने दोहराई है, इसी मौसम में तेरे पाँव में मोच आई। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय दुबे जी, हिंदी में की टीम, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस महफिल को यहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, रोहित प्रजापति भाई बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहीं पे इसको, ये आप सभी की ज़हमतें तमाम की जाती हैं, आप सब हिंदी में की पूरी टीम को, अक्षय, विवेक भाई और गगन, रोहित प्रजापति जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का मैं आभारी रहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ देर आपके सामने कुछ अपनी बातें सुना सकूँ।
आपके शेर का इंतज़ार कर रहे थे गगन मुदगल साहब। गगन साहब एक शेर फिर और सुने आप इसी बात पर। ले गई लड़की कोई गैर कबीले वाले, ले गए लड़की कोई गैर कबीले वाले, आए हम डूब के मर जाएं मोहल्ले वाले, आए हम डूब के मर जाएं मोहल्ले वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप हिंदी में हो हम ऐसी कामना करते हैं।